नमस्कार दोस्तों, यूएफसी हॉटबॉक्स हिंदी में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज ये वीडियो मैं लेकर आया हूं आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए कि चार्ल्स ओलिवेरा और इस्लाम मखाचेव में से ग्राउंड गेम किसका अच्छा है। यानी एनालिसिस हम करेंगे सुपर फाइट जो यूएफसी 280 में मेन इवेंट में होने वाली है, इस्लाम मखाचेव और चार्ल्स ओलिवेरा के बीच में। तो ये फाइट अमेजिंग जुजुत्सु फाइटर और सांबो रेसलर के बीच में है। तो यहां पर हम देखेंगे कि दागिस्तानी जो रेसलिंग है और एक तरफ ब्राजीलियन जो जुजुत्सु है, उन दोनों की जब टक्कर होगी यूएफसी के मेन इवेंट में 280 में, तो किसका पलड़ा भारी रहेगा। और यहां पर ये वीडियो पूरी स्टैट्स के ऊपर बेस्ड होगी, तो आप लोगों को मजा आने वाला है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए जो भी देख रहा हो, और नए जितने भी देखने वाले हैं सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, यहां पर अगर मैं बात करूं चार्ल्स ओलिवेरा और इस्लाम मखाचेव की, तो यहां पर 32 साल के हैं चार्ल्स ओलिवेरा और 30 साल के हैं इस्लाम मखाचेव। 42 टोटल फाइट्स लड़ी हैं चार्ल्स ओलिवेरा ने, और यहां पर इस्लाम मखाचेव ने 23 फाइट लड़ी है। 8 लॉस इस्लाम, 8 लॉस चार्ल्स ओलिवेरा की, 1 लॉस इस्लाम मखाचेव की। अब नॉकआउट से 9 फाइट चार्ल्स ओलिवेरा जीता है और 4 फाइट जीता है यहां पर इस्लाम मखाचेव। 21 सबमिशन चार्ल्स ओलिवेरा के हैं यूएफसी की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा, और 10 सबमिशन यहां पर चार्ल्स ओलिवेरा के अपोनेंट इस्लाम मखाचेव के हैं। फिनिश रेट देखो यहां पर चार्ल्स ओलिवेरा की फिनिश रेट 91% है, यानी कि 100 में से 91 फाइट फिनिश करता है, लेकिन 64% इस्लाम मखाचेव की है। हाइट 5-10 दोनों की हाइट सेम है, लेकिन रीच में 4 इंच का एडवांटेज है किसको, चार्ल्स ओलिवेरा को। ये तो फिजिकल फीचर्स हुए, लेकिन अब हम बात करते हैं कि ग्राउंड गेम किसका अच्छा है। देखिए, ग्राउंड गेम में दो पोजीशन होती हैं, एक होती है टॉप पोजीशन, एक होती है बॉटम पोजीशन। टॉप पोजीशन का मतलब कि आपने माउंट कर लिया है दूसरे प्लेयर को और आप उसके ऊपर चढ़कर बैठ गए हो, और जो नीचे वाली पोजीशन होती है बॉटम पोजीशन, वो होती है जैसे चार्ल्स ओलिवेरा ग्राउंड के ऊपर लेट गया है और दूसरा आदमी आपके ऊपर है। तो जब आपकी कमर नीचे ग्राउंड पर बिल्कुल सपाट हो और आपके ऊपर कोई राइड कर रहा हो, तो आप बॉटम पोजीशन में आ जाते हैं। तो ये दोनों ही पोजीशंस जो हैं ग्राउंड गेम में एक अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि ग्राउंड गेम किसका अच्छा है। यहां पर देखिए सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यूएफसी में हिंदी लैंग्वेज में कोई ऐसा चैनल नहीं है जो इतनी बारीकियों को टच करता हो। देखिए, इस्लाम मखाचेव और चार्ल्स ओलिवेरा को अगर हम देखते हैं, तो यहां पर टॉप और बॉटम पोजीशन की टाइमिंग को देख लेते हैं। देखिए, अगर हम देखें तो 50% फीट पर रहते हैं इस्लाम मखाचेव, यानी कि इनकी फाइट में आधा टाइम ये स्टैंड अप रहते हैं, आधा टाइम मैट पर। ऐसे ही 51% जो है चार्ल्स ओलिवेरा स्टैंड अप रहते हैं, 49% ग्राउंड पे। तो ग्राउंड के ऊपर दोनों का गेम जो है वो 50-50% आधे आधे टाइम चलता है। तो यहां पर ज्यादा इफेक्टिव किसका ग्राउंड गेम है देखते हैं। सबसे पहले देखिए कि ये जो 50% टाइम इस्लाम मखाचेव जो है मैट के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर जो है फाइट करता है जब, तो ग्राउंड में 46% टॉप पोजिशन और 4% बॉटम पोजिशन, ये देखिए कॉम्बिनेशन 46 और 4, यानी कि जितने टाइम भी ये रहा है 46% टॉप पोजीशन में रहा है और इसने लोगों को सबमिट किया है, लेकिन सिर्फ 4% बॉटम में। चार्ल्स ओलिवेरा को देखिए, 23% जो है टॉप पोजीशन में रहा है, लेकिन यहां पर देखिए बॉटम पोजीशन में 26%, यानी कि चार्ल्स ओलिवेरा का बॉटम गेम भी अच्छा है और टॉप गेम भी अच्छा है। लेकिन बात यहां पर निकल कर आती है कि इस्लाम मखाचेव रेसलिंग ही इतने तगड़े तरीके से करते हैं कि वो बॉटम गेम जो है उनका अब तक एक्सपोज हुआ ही नहीं है। ये हमेशा जितनी भी विन करते हैं टॉप पोजीशन से करते हैं। अब यहां पर देखिए, 22 में से 10 सबमिशन लिए हैं इस्लाम मखाचेव ने, यानी 45% जो रेट है इनकी सबमिशन से विन करने की है। उधर 33 में से 21 सबमिशन है चार्ल्स ओलिवेरा के, जो यूएफसी की लाइट वेट की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा है, और 64% सबमिशन विन्स हैं किसकी, चार्ल्स ओलिवेरा की। यानी कि सबमिशन से ग्राउंड में 64% चार्ल्स ओलिवेरा और 45% कौन, इस्लाम मखाचेव। अब यहां से एक बात आपको पकड़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, क्या कि अब देखो
कि टॉप पोजीशन में 46% रहे, बॉटम में 4% रहे, तो इनके चांस ग्राउंड गेम में तब बनते हैं जब ये टॉप पोजीशन को गेन करें। इन्होंने बॉटम पोजीशन में टाइम बिताया ही नहीं है। उधर अगर हम देखें तो यहां पर ये जो 21 सबमिशन है, 21 सबमिशन में 26% टाइम जो इसने बिताया वो बॉटम में बिताया, और उसके बाद सिर्फ 23% टॉप पोजीशन में। तो जो चार्ल्स ओलिवेरा का सबमिशन गेम है वो जितना टॉप पोजीशन में है उतना ही खतरनाक, बल्कि उससे ज्यादा खतरनाक बॉटम पोजीशन में ही है। इसीलिए आपको चार्ल्स ओलिवेरा का एक ट्वीट याद होगा, या फिर उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं इस फाइट को अपनी बैक के ऊपर भी स्टार्ट करने को तैयार हूं। इस्लाम मखाचेव ने क्या कहा था कि मैं उसको घोड़े की तरह राइड करूंगा, अभी भी कह रहा है। क्यों कह रहा है अब समझ में आया, क्योंकि सारी के सारे जो सबमिशन है, यानी कि ये जो 22 में से 10 विन है उसमें सारी की सारी टॉप पोजिशन की है। लेकिन यहां पर चार्ल्स ओलिवेरा टॉप और बॉटम दोनों पोजीशन से ही सबमिट कर सकता है। यह फर्क इसलिए है क्योंकि चार्ल्स ओलिवेरा ब्राजीलियन जुजुत्सु का तगड़ा प्लेयर है और उसकी ग्रैपलिंग अच्छी है, लेकिन इस्लाम मखाचेव की दागिस्तानी रेसलिंग अच्छी है। दागिस्तानी रेसलिंग में टॉप पोजीशन बरकरार की जाती है, लेकिन अगर आप बॉटम में आ जाएं वो चीज चेक आज तक नहीं हुई है। और ये इस ग्राउंड गेम में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि चार्ल्स ओलिवेरा ग्राउंड गेम में बहुत ज्यादा वेल राउंडेड है। अब यहां पर एक चीज आपको और देखनी है कि चार्ल्स ओलिवेरा की ये जितनी भी फाइट्स रही हैं, सब की सब फाइट के अंदर 41 इनकी जो फाइट है उसकी एवरेज टाइमिंग है 6 मिनट 55 सेकेंड, यानी इतने टाइम में फाइट खत्म कर देता है ये। लेकिन इस्लाम मखाचेव की एवरेज फाइट टाइम है 9 मिनट 11 सेकेंड। तो यहां पर इन सभी स्टेट्स को देखकर तुम्हें क्या समझ में आया? एक बात यह समझ में आई कि भाई दोनों के दोनों बराबर टाइम ग्राउंड पर गुजारते हैं, लेकिन ग्राउंड पर गुजारे गए टाइम में 64% सबमिट करने के चांस चार्ल्स ओलिवेरा के हैं, वहीं पर सिर्फ 45% किसके हैं, इस्लाम मखाचेव के। और ग्राउंड गेम को जज करने में टॉप और बॉटम पोजीशन का सबसे बड़ा रोल होता है। इस्लाम मखाचेव ने ये जो 50% टाइम गुजारा है ग्राउंड में, उसमें 96% टाइम सिर्फ टॉप पोजीशन में जो है गुजारा है, लेकिन बॉटम पोजीशन का एक्सपीरियंस या डिफेंस अब तक इनका चेक नहीं हुआ। जबकि चार्ल्स ओलिवेरा ने जो 50% के करीब टाइम गुजारा है ग्राउंड में, उसमें बॉटम पोजीशन में मैक्सिमम टाइम 26% उनका गुजरा है, और 23% के करीब उनका टाइम जो है 23-24% जो है गुजरा है टॉप पोजीशन में। तो यहां पर चार्ल्स ओलिवेरा बॉटम पोजीशन में बहुत ज्यादा थ्रेट पैदा कर सकते हैं इस्लाम मखाचेव के लिए। इसीलिए अलेक्जेंडर वोल्कनोवस्की जो है उसने अभी ये कहा था, मेरी पहली वीडियो में आपने देखा होगा, कि अगर चार्ल्स ओलिवेरा अपने गार्ड को पुल कर लेता है, यानी कि अपने बैक के ऊपर लेट जाता है, तो इस्लाम मखाचेव चाहकर भी उसके गार्ड के अंदर एंट्री नहीं लेगा। इसलिए नहीं लेगा क्योंकि ग्राउंड गेम बॉटम पोजीशन में पूरी यूएफसी में चार्ल्स ओलिवेरा से खतरनाक किसी का नहीं है। तो ये पूरी वीडियो में मैंने आप लोगों से जो ग्राउंड गेम है उसकी टेक्निकलिटीज के बारे में बात की। जो भी मैंने आप लोगों से बात की है वो सारी की सारी फैक्ट्स डाटा के ऊपर बेस्ड हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा, और ये जो डाटा आप देख रहे हैं इससे आप लोगों ने क्या निष्कर्ष निकाला है, बॉटम लाइन क्या निकाली है? क्या आपको नहीं लगता कि इस्लाम मखाचेव बॉटम पोजीशन में अगर ग्राउंड में चार्ल्स ओलिवेरा के सामने आते हैं, बॉटम पोजीशन की बात कर रहा हूं, तो क्या खतरा नहीं है? बिल्कुल खतरा है। और क्या चार्ल्स ओलिवेरा फंस जाते हैं टॉप पोजीशन में, यानी कि टॉप पोजीशन ले लेता है इस्लाम मखाचेव, तो क्या चार्ल्स को खतरा नहीं है? बिल्कुल खतरा है। लेकिन ग्राउंड गेम्स को जब आप टक्कर में एक दूसरे के सामने रखकर परखते हो तो वहां पर डाइवर्सिफाइड, यानी कि हर एक टूल से लैस, चाहे बॉटम हो चाहे टॉप पोजीशन हो,
चार्ल्स ओलिवेरा के स्टेट्स कहीं बेटर निकलकर सामने आते हैं। बाकी आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और हमारा हौसला बढ़ाएं, लाइक करें वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छा काम कर सकूं और बेटर वीडियोस आपके लिए लेकर आ सकूं। ख्याल रखें अपना, धन्यवाद।